नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार आप सबका फिर से एग्जाम काट लाइव चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सबके लिए हमारी तरफ से एक प्रयास चल रहा है, एसएससी जीडी 2022 की जो परीक्षा जनवरी और फरवरी के माह में हुई थी, आज मैं उसका शिफ्ट लेकर आया हूं। आज पेपर है आपके लिए 13 फरवरी शिफ्ट 4 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, दिनेश अपने ग्राहक को रेनकोट पर 15% की छूट प्रदान करता है और वह फिर भी 25% का लाभ कमाता है। 800 रुपये के अंकित मूल्य वाले रेनकोट की वास्तविक कीमत क्या होगी? तो देखिए, वास्तविक कीमत का मतलब ये है दोस्तों मेरे, उसने पूछा है यहाँ से क्या पूछा सीपी क्या होगी, तो हमें पता है मार्केटिंग प्राइस पर अगर डिस्काउंट दिया जाता है तो क्या बनता है? सेलिंग प्राइस बनती है। अगर कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया जाए तो क्या बनता है? वो भी सेलिंग प्राइस बनती है। तो मैं कहूँगा मार्केटिंग प्राइस पे जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो किसके इक्वल हो गया? कॉस्ट प्राइस के प्रॉफिट या लॉस परसेंट के बराबर हो गया। ये तो तरीका है, क्योंकि दोनों में सेलिंग है और दोनों में सेलिंग है, दोनों में बराबर है। तो मैंने कहा मार्केटिंग प्राइस कितनी है? 800 रुपये, 15% डिस्काउंट हो रहा है, मतलब कितना? 85% हो रहा है। कितना हो रहा है? 85%। फिर देखिए, फिर सीपी पे क्या हो रहा है? 125% का लाभ। कोई डाउट इसमें? तो परसेंट से परसेंट तो कट नहीं है, तो इसलिए लिखने का कोई मतलब नहीं है। कोई डाउट? नहीं, 5 से चला गया 25 बार, 5 से चला गया 17 बार, 25 से चला गया, ये 2 जीरो है, मतलब 100 है, इसको मैंने लिखा 8 गुणा 100, तो ये कितनी बार चला गया? 4 बार। बताओ कोई डाउट नहीं आता? कोई डाउट तो नहीं है। आगे समझे, 8 चौक 32, 32 गुणा 17 कितना हो गया? 7 दूनी 14, बचा 1, 7 21 और 1 22, इसका मल्टीप्लाई हो गया, ये कितना गया? 32 हो गया, ये हो गया 4, 4, और ये हो गया कितना? 5। कितना आंसर आ गया? 544 रुपये इसका क्या है? क्रय मूल्य है। क्लियर है? आगे समझने चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही हैं। ये समान लंबाई की हैं, क्या है? समान लंबाई की हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक ही दिशा में चल रही हैं, दोनों एक साथ चल रही हैं, क्या हो रहा है? रिलेटिव स्पीड होती है। तो रिलेटिव स्पीड जब समान दिशा में चलती है तो क्या होता है? माइनस होता है, लेकिन विपरीत दिशा में चलती है तो क्या होता है? प्लस होता है। तो बताओ यहाँ रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? यहाँ से साथियों रिलेटिव स्पीड पता चल गई कितनी? 46 माइनस 36 कितना गया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं? इसको मैं यही चेंज कर लूँ, किस में चेंज करूँ बताइए जल्दी? इसको चेंज कर लें मीटर पर सेकंड में, तो कैसे लिख लिया? 5/18, इसको काट दिया, ये आ गया मीटर पर सेकंड। बताइए यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ये चीज़ क्लियर है? आगे समझने आप सबको, कोई डाउट इसमें देख लीजिए, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब देखिए, तो पूछा क्या है? उसने पूछा प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, मतलब डी पूछा है। तो डी बराबर क्या होता है? S × T। एस कितना है? एस है आपके पास, एस है 10 × 5/18, टी कितना है? टी है 36। तो देखिए 18 से चला गया 2 बार, 5 × 2 = 10 कितना गया? 100 मीटर। अब देखो ये क्या है, ये है दोनों ट्रेनें एक साथ चल रही है, मतलब 2D है इसमें, क्या है? 2D है। उसने साफ साफ कहा 2D का मतलब ये है दोनों आपस में क्या है? बराबर बराबर है, समान लंबाई के। एक D है, दूसरी भी D है, दोनों को मिलाकर कितना का? 2D। तो 2D की वैल्यू कितनी? 100 मीटर। तो 1D की उसने पूछा क्या? उसने पूछा प्रत्येक ट्रेन की लंबाई, तो मतलब प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी हुई? 50 मीटर। तो मैंने कहा 2D बराबर कितना गया? 2D बराबर हो गया 100 मीटर। तो D बराबर हो गया कितना? 50 मीटर आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? क्लियर है? आगे समझने चलिए, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक मूलधन 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर गणना किए जाने पर 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा? तो देखिए मैं कह रहा हूँ मूलधन हमारे पास P रुपए है, कितना है? 8%। कितना है? 8% है। तो 8% कितना होता है? ये तो 4 × 4, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 25। क्या कह रहा है? ये कह रहा है प्रतिशत। देखो नीचे वाली चीज़ क्या होती है, जो हर होता है इसको बोलते हैं मूलधन, और जो ऊपर होता है इसको बोलते हैं ब्याज। तो बताओ मिश्रधन कितना हो गया? मिश्रधन हो गया कितना? मूलधन प्लस ब्याज कितना हो गया? 27। कितना हो गया? 27। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये हो गया 27/25। कितने साल के लिए कर रहा है? 3 साल के लिए कर रहा है। 1 साल के लिए होगा, फिर एक और साल के लिए होगा 27/25, फिर एक और साल के लिए होगा 27/25। कितने रुपये हो जाते हैं? ये हो जाते हैं 19683। बताओ कोई डाउट यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये चीज़ क्लियर है? इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया आपके। अब देखिए 27 से काटना है। देखिए 27 से काटेंगे, 9 से काटेंगे, 9 × 2 = 18,
एक बचा है ना, क्लियर है। 9 दुनी 18 नहीं, 9 एकम 9 ही ले लो, कितना ले लो, 9 एकम 9 कितना बचा, 7 बचा, फिर 8 उतार लिया, 9 अट्ठे 72 कितना हो गया, 6, फिर 3 9, फिर 9 सत्ते 63, 9 से कितनी बार गया, ये चला गया 3 बार, कोई डाउट इसमें, देख 3 से भी जाएगा, 3 से गया, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है, आगे समझ। जरा देखो ये क्या है, इसको फिर कितनी बार जाएगा, 9 से चला गया कितनी बार, 9 से ये क्या है, 9 का क्यूब, क्या है ये, 9 का क्यूब मतलब ये है 9 × 9 × 9। अब देखो 27 को मैं लिखूंगा 9 × 3, इसको लिखा मैंने 9 × 3, 9 का क्यूब ही तो है, तो ये क्या बताओ, 27 × 27 कितना होता है, 729 ही तो होता है, होता है कि नहीं होता, बताओ इतना है, बताओ जल्दी, क्लियर है ये चीज़, आगे समझ। तो ये पूरा कट गया, 9 से 9 दो कट गई, 3 × 3 = 9, तो ये भी पूरा 9 कट गया। हमारे पास बचा कितना, 25 का क्यूब, मतलब 25 का क्यूब कितना था, तो हमें पता है 25 का क्यूब कितना होता है, हमारे पास 25 का क्यूब हो गया 15625, कोई डाउट इसमें, क्लियर है, कोई दिक्कत, 25 का क्यूब कितना होता है, 15625, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन, मोहन और रमेश मिलकर एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, मोहन और रमेश मिलकर 6 दिन में करते हैं, अब मोहन अकेला काम करता है 10 दिन में, तो एलसीएम कितना आ गया, 30 एलसीएम आ गया, तो 6 × 5 = 30, 10 × 3 = 30, ठीक है ना। अब कह रहा है तो अगर रमेश अकेला काम को, ये किसका है, मोहन और रमेश का, ये किसका है, मोहन का, मोहन है 3 ऑलरेडी, मोहन कितना है, 3 ऑलरेडी है, ये अगर 3 है तो ये कितना बचा, 2 बचा, क्योंकि दोनों को मिला के कितना है, 5, तो बताओ रमेश के लिए कितना आ गया, रमेश के लिए आ गया 2 एफिशिएंसी, तो बताओ रमेश इक्वल टू कितना आ गया, कुल काम है 30/2, कितना आ गया, 15 दिन, कितना आ गया, 15 दिन, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज क्लियर है, आगे समझने। आगे क्वेश्चन देखिए, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, अनित किसी कार्य को 70 दिन में करता है, राम उसी काम को 11 दिन में करता है, तो एलसीएम कितना गया, 70, और ये कितना हो गया, 1, और ये हो गया 7, कितना हो गया, 1 और 7, राम और अनित एक साथ काम कर रहे हैं। देखिए मैं एक आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्वेश्चन है राम और अनित एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन राम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ही छोड़ के चला गया, क्या कर रहा है, 3 दिन पहले छोड़ कर चला गया, कौन चला गया, राम चला गया, कौन चला गया, राम चला गया, तो मैंने कहा राम अगर गया है 3 दिन पहले, तो क्या पता वो 3 दिन और काम करके चला जाता, तो कोई दिक्कत आ जाती, नहीं आती, तो मैं कह रहा राम अगर 3 दिन और काम करे, राम का 3 दिन का काम कितना बना, देखो यहाँ राम का 1 दिन का काम कितना, राम का 1 दिन का काम है 7, तो 3 दिन का काम कितना हो गया, 21 हो गया, मतलब ये है 21 काम और हो जाता, तो टोटल काम कितना बन गया, 7 और 1 = 8, और 7 और 2 = 9, मतलब टोटल काम कितना है, 98 है। अब ये वापस आ गया, अभी क्या हो गया, वापस आ गया तो ये कितना बन गया, 8 हो गया, कितने हो गए, 8 काम हो गए साथ में, तो ये हो गया 98/8, कोई दिक्कत, 8 एकम 8, बचा कितना, 18, 8 × 2 = 16, बचा कितना, 2 पॉइंट लगाया, 8 × 2 = 16, कितना बचा, 4 बचा, 8 × 5 = 40, क्लियर है, कितना आ गया, 12.25 दिन आ गए, लेकिन उसने साफ साफ कहा है क्या, अनुमानित संख्या में बताना, तो बताओ कितना ले लूँ मैं, सिर्फ 12 दिन ले लूँ, कोई डाउट, क्लियर है, तो उसने क्या बोला है, 12 दिन, क्लियर है, उसने पॉइंट वाले दिन हटा दिया, मतलब कुछ काम बच रहा है उसका, ये तो है, आगे समझने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि सामान 600 रुपये में खरीदा जाता है और उसका 5वां हिस्सा, मतलब 1/5 भाग, कितने में, 20% हानि पर, कैसे, 20% हानि पर, तो शेष कितना बता, 4/5, शेष कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाना चाहिए, कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन में 30% का लाभ हो, तो है दोस्तों मेरे, देखिए इसका कितना है, 5वां हिस्सा, इसका है 5वां हिस्सा और इसका कितना है, 4वां हिस्सा, ये तो है, एलिगेशन मेथड कहता है 30 में से 20 घटाइए और एक्स में से 30 घटाइए, ये तो कहता है 30 में से 20 घटाया, तो 20 इसको मैंने लिखा 30 माइनस माइनस के 20, तो ये कितना बन गया, ये बन गया आपके पास 50, ये कितना बन गया, 50 बन गया, कोई डाउट इसमें, 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ देखिए जरा ध्यान से, ये रेशियो है, 4 रेशियो की वैल्यू है कितनी, 50, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 12.5, तो मैंने कहा 5 की वैल्यू कितनी हो गई,
पांचवा हिस्सा तो सेल्स को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए। हाँ ये कितना गया, 12.5 हो गया। कितना गया, 12.5। तो देखो इसका पांचवा हिस्सा, देखो ऐसे कर लो, इसको ऐसे करो। क्वेश्चन क्या है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना गया, 12.5 आ गया। ये कितना गया, 12.5। कोई डाउट इसमें, ये चीज़ क्लियर है। आगे समझने कितना गया, ये 12.5 आ गया। कोई डाउट इसमें, आगे समझने। अब देखिए अब क्या करना है, अब देखिए हमें पता है क्या करते हैं, इसमें से ये माइनस करूँ तो कितना आना चाहिए, 12.5 आना चाहिए। मतलब एक्स में से 30 माइनस करने पे क्या आएगा, 12.5 आएगा। तो मैंने कहा एक्स बराबर कितना गया, 12.5 + 30। बताइए कोई डाउट इसमें, कोई डाउट तो नहीं है। तो बताओ कितना हो गया, ये दोनों को जोड़ दीजिए क्या गया, 42.5। तो बताओ ये कितना आ गया, 42.5%। ये चीज़ क्लियर है, आगे समझने, कोई डाउट तो नहीं है, ये पूरा क्लियर है। आगे समझने कैसे क्वेश्चन करने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इसका एचसीएफ बताना है, किसका, 0.25, 2.08, 8.1। इसका क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। तो देखिए एचसीएफ बताना है, यहाँ आ गए 20, यहाँ आ गए 20 और यहाँ आ गए 10। ऊपर वाले का एचसीएफ बताना है, तो ये जाएगा एचसीएफ में और ये जाएगा एलसीएम में। तो बताओ इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम होगा 100। अब तो यहाँ कोई भी कॉमन नहीं है, यहाँ कोई भी कॉमन नहीं है, ये है 25, 25 का मतलब 5×5। यहाँ 5×5 आ नहीं रहा, यहाँ ये 5×5 आ नहीं रहा। तो ऐसे में क्या होता है, एचसीएफ आता है हमेशा 1। कितना आता है, 1 आता है। तो बताओ कितना बन गया ये, 0.01। क्लियर है, आगे समझने। विकल्प नंबर कौन सा हो गया, 1 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए इसको, एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि और फिर 25% की वृद्धि की कमी होती है, उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। तो फॉर्मूला होता है A+B+AB/100। ये तो होता है क्या कह रहा है, वृद्धि हो रही है फिर कमी हो रही है, फिर क्या कह रहा है, वृद्धि मल्टीप्लाई कमी। ये तो क्वेश्चन है, बताओ कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस चीज़ को समझो अच्छे से, क्लियर है ये चीज़ की नहीं है, बताइए। आगे समझने कोई डाउट इसमें। चलिए अब देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया -10, ये हो गया -25 से चला गया 4 बार, 4 से कितनी बार गया, माइनस करके 4×3 = 12 बचा कितना, 4×3 = 12 मतलब 3 बचा, 4×7 = 28 फिर बचा 2, 4×5 = 20। के लिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये हो गया 13.75। माइनस दिखा रहा है, माइनस का मतलब क्या होता है, कमी। तो मैं कहूँगा क्या हो रहा है, 13.75% की कमी। कोई डाउट तो नहीं इसमें, ये चीज़ क्लियर है, आगे समझने, कोई डाउट इसमें। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, एक क्लास में 50 विद्यार्थी, यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 16 और 9 है। कितना है, 16 और 9, मतलब यह है 16 और 9 को मिला दी जाए तो कुल क्लास बन जाएगी। ये तो है तरीका, तो बताओ 16 और 9 कितना, तो 25 ratio, कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। कोई डाउट तो बताओ, लड़कों की संख्या कितनी हो गई, लड़कों की संख्या हो गई बॉयज कितने हो गए, ये हो गए 16, आर मतलब हो गया 16×2 मतलब कि 32। गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी 9 ratio मतलब 9×2 कितना हो गया, 18। बताओ कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत। इसका क्या पूछा है, मध्य समानुपाती पूछा है। क्या पूछा है, मध्य समानुपाती। तो कितना हो जाएगा, हमारे पास कितना है, 16×2 = 32। इसको मैंने क्या लिखा, 16×2 = 32, 16×2 = 32। देखिए 18 को क्या लिखा, 18 को लिखा 9×2 = 18। तो देखिए 16 का बना 4, 9 का बना 3 और इन दोनों को मिला के बाहर आ गया कौन, 2। 4×3 = 12, 12×2 = 24 आंसर। कोई डाउट है इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो इसी को हम एक और तरीका कर सकते हैं, मान लो हमने ये तो निकाल लिया, इसको मैं साफ कर दूँ, अब इस ये वाला मेथड नहीं करना पड़ेगा। अब इस चीज़ को समझो, देखिए हमें पता है इन सभी को मिलाकर कितना बैठ रहा है, 25 है, 25 की वैल्यू कितनी है, 50 है। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 2। हमसे पूछा गया है इन दोनों का मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती 16R × 9R। ये तो होता है 16 का बन गया 4, 9 का बन गया 3, इस 2R का बन गया कितना, 1R। ये बना कि नहीं बना, तो 4×3 = 12 कितना, 12R हो गया। 1R की वैल्यू कितनी है, 2, तो 12×2 कितना गया, 24। हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, क्वेश्चन कितना इजी हो गया, और इजी कर सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। आगे समझने, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 47
95 और 187 को विभाजित करने पे, मतलब यह है इन अलग को, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, एक ये नंबर है, इन सभी को भाग देने पर, इन सभी को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल, जो शेषफल है इन सब का, वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए क्या, समान आना चाहिए। क्लियर? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना है, इन नंबर को पहले माइनस कर लीजिए। कैसे? 95 माइनस 47, ठीक है ना, 187 माइनस 95, 187 माइनस 47, ऐसे करिए। तो बताओ 15 में से 7 गए तो कितने बचे, 8 बचे, कितने बचे, 8, 8 में से 4 गए कितने बचे, 8 में से 4 गए तो कितने बचे, 4 बचे। अब देखो इसको मैं क्या लिखूँ, इसको मैंने लिखा 12 गुणा 4, 12 चौक 48। क्लियर है? अब देखो 7 में से 5 गए 2, ठीक है ना, 18 में से 9 गए 2, कोई डाउट, कोई डाउट? अब देखो इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको मैंने लिखा 4 से, मैंने इसको ऐसे लिखा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये कितना गया, 4 गुणा 23, क्या आ गया, ये 4 गुणा 23। अब देखिए इसको मैं माइनस करूँगा 0, और 8 में से 4 गए 1, 4, और ये हो गया। इसको भी मैं 4 से ऐसे लिखूँगा तो कितना गया, 4 तिया 12, और 4 पंजे, तो ये कितना गया, 35। मतलब कोई डाउट इसमें? अब जब भी ऐसे क्वेश्चन बन जाए माइनस करने पे, वो न्यूनतम संख्या हमें पूछे, क्या पूछे, सबसे बड़ी संख्या पूछे, क्या पूछे दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए जब भी सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए ऐसे, तो उसमें निकाल दीजिए एचसीएफ, क्या निकाल दीजिए, एचसीएफ। और एचसीएफ क्या होता है, ये मैंने आपके लिए एचसीएफ की कंडीशन लिख दी है, क्या कॉमन है इसमें, सिर्फ 4 कॉमन है, तो आंसर ही क्या हो गया, 4 आंसर आ गया। बताइए कोई डाउट है इसमें, क्लियर है ये चीज़, ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई, आगे समझने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। मोहन और सोहन ने एक साथ संपत्ति निवेश की, इसने की 6000, इसने की 8000, और 6 महीने के बाद सोहन ने अपनी निवेश राशि वापस ले ली। 6 महीने बाद लिए ना, इसका मतलब ये है दोस्तों, सोहन ने 6 महीने के लिए राशि निवेश की है। कितने महीने के लिए की है, 6 महीने के लिए, कितने महीने के लिए, 6 महीने। अंत में, वर्ष के अंत में, मतलब यह है, ये कितने की है इसने, वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में तो किया मतलब 12 महीने में। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो गया, 6 से 6 गया, 4 से गया 3 बार, 4 से गया 2 बार, तो कितना आ गया अनुपात, 3:2, यही पूछा है। इनका प्राप्त धन कितना अनुपात होगा, 3:2 के अनुपात में होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फिर। क्वेश्चन है, एक दूध वाले ने 45 लीटर दूध खरीदा, 45 लीटर दूध खरीदा, उसमें 15 लीटर पानी मिला दिया, तो कितना हो गया, ये हो गया 60। यदि मिश्रण का प्रति लीटर 50 रुपये है, प्रति लीटर कितना है, 50 रुपये, तो टोटल कितना गया, टोटल आ गया 3000, टोटल कितना गया, 3000। तो पूछा है, तो प्रति लीटर दूध का क्रय मूल्य बताओ, पैसा कितना है, 3000 है, दूध कितना है, दूध है आपके पास 45, दूध कितना है, 45, 3 से कितनी बार गया 45 बार। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए 5 से कितनी बार गया, 5 से चला गया 2 बार, 5 से चला गया 3 बार, तो कितना गया, 200 बटे 3, 200 बटे 3 आपको पता होना चाहिए कितना, तो 66 सही, 2 बटे 3 रुपये पर लीटर। क्लियर है? आगे समझने, कोई दिक्कत तो नहीं है। कितना है, 66 सही, 2 बटे 3 रुपये पर लीटर। क्लियर हुआ ये चीज़? आगे समझने, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया 1। क्लियर है? अगला देखिए, देखिए एक गांव की जनसंख्या में पहले 5% की वृद्धि हुई, 5% होता कितना, 5% होता कितना आपके लिए, 1/20, वृद्धि हुई मतलब 21/20, फिर घट गई, घटने के बाद हो गया 19/20। अब क्या कह रहा है, दूसरे वर्ष के अंत में 9975 हो जाती है। बताओ कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है? आगे समझने, चलिए अब डिवाइड करना है। चलिए मैंने इसको 3 से कर लो ताकि इजी हो जाए मेरे लिए, और दो 3 से किया 7 बार, 3 3 9, 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब काटिए 7 से 7 चौक 28, 5 बचा 2 है ना, क्लियर है, 7 6 42, 77 49, 77 49, कितना बचा, 3 बचा, फिर उतार लिया 5, 7 5 35। बताओ कोई डाउट इसमें, क्लियर है ये चीज़? आगे समझने, कोई डाउट तो नहीं है। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है, कोई दिक्कत? अब देखिए ये कितना हो गया, 2 2 4, कितना गया, 400, कितना गया, 400, कोई डाउट? अब देखो 19 से कितनी बार जाएगा, देखो 19 से ये चला गया, 19 दूनी 38, बताओ 38 माइनस कर लिया मैंने, कितना बचा, कितना बचा, 9 बचा,
क्लियर है, बताइए 9 ये बचा और 95 बन गया, तो कितना बन गया 25 बन गया, 19 पंजे 95, यहाँ कितना है 400 है, 25 चौक कितने हो गए 100 हो गए, 25 चौक 100, कितनी जीरो है ऑलरेडी, 2 जीरो और हैं, कितनी जीरो है ऑलरेडी 2 जीरो हैं, तो बताओ पहले जनसंख्या कितनी थी, पहले जनसंख्या थी कितनी 10,000, तो बताइए क्लियर हो गया आगे समझने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या है, विधि ने राधा को चक्रवर्ती ब्याज पर 8,000 रुपये 2 वर्षों के लिए 5% की दर से वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर दिए, तो पहले उसको कैसे दिए चक्रवर्ती ब्याज पर दिए, तो मैं कह रहा हूँ मेरे पास चक्रवर्ती ब्याज कितना है 8,000 रुपये, 5% कितना होता है 5% होता है 1/20, कितना होता है 1/20, तो बताओ ब्याज कितनी हो जाएगी, ऐसे निकालो तो 21/20, 20 से ये चला गया 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 2 4 2 2 4, ये चला गया कितनी बार 20 बार, कोई डाउट, ये 21 गुणा 21 कितना था 441 गुणा कितना है 2 है, सिर्फ 2 कर लो 2 8 8, तो बताओ यहाँ से प्राप्त राशि कितनी हो गई 8,820 रुपये, कोई डाउट। अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है जब उसने राधा को यह राशि 5% वार्षिक के साधारण ब्याज पर 2 साल के लिए, अब कैसे दे दी, अब दे दी साधारण ब्याज पर, वही राशि साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज पर दी 5 गुणा 10/100, ये तो है 5 गुणा 2 है, 2 वर्ष है ना, 5 गुणा 2, 5 2 10, 1 जीरो से 1 जीरो गई, तो कितना हो गया, कितना हो गया 800, कितना हो गया 800, कोई डाउट तो नहीं है, ये आ गया साधारण ब्याज, ये क्या आ गया साधारण ब्याज। अच्छा ये क्या है, ये है आपका अमाउंट, ये क्या है आपका अमाउंट, तो बताओ यहाँ से कितना आया ब्याज, यहाँ से सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, अमाउंट में से 8,000 मतलब मूलधन माइनस कर ले तो कितना बचा 820 रुपये, कितना बचा 820 रुपये, ये चीज़ क्लियर है आगे समझे। तो बताओ उसने पूछा क्या है, कितने रुपए की हानि पहुंची उसको, बताओ कितने रुपए की हानि पहुंची, 20 रुपए की हानि पहुंची, पहले मिलना चाहिए उसको 820 रुपये, अब कितना मिल रहा है 800 रुपये, 20 रुपये की हानि हुई, बताओ कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है आगे समझने। चलिए अगला देखिए, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 5, 10, 15 और 20% के बराबर एकल छूट क्या होगी, ठीक है ना, तो इसको करेंगे पूरा ही, मान लो पहले थी 1, 5% कितना होता है 5% होता है 1/20, छूट हो गई तो 19/20, तो इसको मैं आपको सिखा दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आ गए हैं, आपको पूरा सॉल्यूशन कराने का कोई मतलब नहीं, बहुत क्वेश्चन आ गए हैं, 10% कितना होता है 10% 1/10 हानि हो गई 9/10 की, 15% कितना होता है 5 से 15, 5 से गया 20, तो कितना गया 17/20 हानि हो रहा है ना, देखिए 20% होता है 1/5 हानि का मतलब 1 माइनस में ये 1 माइनस में ऐसे किया मैंने, ठीक है ना, इस चीज़ को समझो किया कैसे, ये कितना होगा 4/5, कोई डाउट इसमें, अब देखो कुछ चीज़ कट रही होगी, हाँ कट रही है, ये 4 से चला गया 5 बार, 25 25 25 25 दूनी 50, तो यहाँ लिख लिया मैंने 25 25 दूनी 50, 2 जीरो ऑलरेडी हैं, 2 जीरो ऑलरेडी है, तो बचा क्या हमारे पास 19 गुणा 9 कितना होता है 171, हमारे पास कौन है 17 है ऑलरेडी, मल्टीप्लाई करें 7 7 7 49 7 4 11 मल्टीप्लाई करें 1 से तो 171 कितना का 7 10 7 और 1 8 और 1 9 कितना का 2097, मतलब क्या हो रहा है डिस्काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्लियर है, अब तो कर लोगे, अब तो हो जाना चाहिए, तो डिस्काउंट कितना हो रहा है मैं फिर कर दे रहा हूँ आपके लिए, 5,000 में से 2,907 गए तो बचा कितना 10 में से 7 गए 3, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 9 गए 0, 4 में से 2 गए 2, मतलब कितना हो गया छूट, कितना मिला 2,993 किस पे मिली 5,000 पे, किस पे मिली 5,000 पे, इन टू 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 से चला गया 5 चौक 20, 5 एकम 5 बचा कितना 4 5 8 40, तो ऐसे देख लो बस 41.5 कुछ, हाँ एक ही है ऑप्शन, पॉइंट टाइप लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि उसने पॉइंट सिर्फ विकल्प एक ही बना के दिया है सर, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, यदि एक घनाकार बॉक्स की लंबाई इतनी इतनी है तो उसका आयतन क्या था, आयतन क्या था, देखो कितना इजी है, एल इंटू बी इंटू एच, क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, कोई डाउट, देखो करने का तरीका कैसे, इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये क्या है, ये है 12 गुणा 2, 16 दूनी 32, 12 का उसका कितना था 144, इसको कर लो बस, 4 दूनी 8 4 दूनी 8, ये हो गए 2, 4 3 12 4 3 12 और 1 13, 3 और 1 4, 8 10, 5 और 1 6, कितना 4608 cm³, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज़ क्लियर है आगे समझने। अगला देखिए,
इस क्वेश्चन को देखिए, क्या क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्ध गोले का संपूर्ण, एक अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्लियर है, आगे समझने दो बच्चों, पूछ क्या रहा है अर्ध गोला, तो हमें पता चाहिए अर्ध गोले का क्या होता है, बताइए अर्ध गोले का क्या होता है, अर्ध गोले का पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, आपको ये पता भी होना चाहिए कितना होता है, बताइए जल्दी कितना होता है, 3πr² कितना होता है, 3πr² तीन कितना होता है, 3πr की वैल्यू 22/7। अब देखिए आर उसका, लेकिन आर उसका यहाँ क्या है, व्यास है, मतलब डी इक्वल टू कितना 7 है, तो आर इक्वल टू कितना 7/2, क्या इसको मैं 7/2 नहीं लिख सकता, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है, आगे समय देखिए 7 से 7 गया, 2 से चला गया 11 बार, तो कितना होगा 11 से 77, 77 × 3 कितना होगा, 7 से 21 और 1 22 बटे में कितना 2, 2 से गया 2 एकम 2 है ना, 2 एकम 2 ये 23 हो जाएगा, हाँ क्लियर, ये 23 हो जाएगा इसका गुणा करने में, 2 × 5 = 10 पॉइंट लगा, 2 × 5 = 10 कितना आ गया, 115.5 cm2। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, ये चीज़ क्लियर है कि नहीं देख लीजिए, आगे समझने, चलिए इस क्वेश्चन को भी देखिए, देख क्वेश्चन पढ़िए, इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन पढ़िए ताकि आपको क्लियर हो जाए, पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्या है ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए थोड़ी देर, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 30 पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष है, उनके साथ 30 वर्ष की औसत आयु के 5 नए पुरुष शामिल हो जाते हैं, सभी पुरुषों की एक साथ आयु क्या होगी, देखो क्या कह रहा है, पहले 30 पुरुष हैं जिनकी औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष है, कितनी है 25 वर्ष है, कोई डाउट इसमें, उनके साथ 30 पुरुष और आ गए, उनके साथ कौन आ गए, 30 पुरुष और आ गए, नहीं 5 नए पुरुष, देखो करेंगे कैसे, अब देखिए 30 पुरुष की औसत आयु कितनी है, 25 है, तो ये टोटल कितना हो गया, 25 × 75, तो मतलब हो गया 30 × 25 कितना हो गया, 750, बताइए यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है, अब क्या कह रहा है, 5 पुरुष नए और आ जाते हैं, कौन से 5 पुरुष, 30 वर्ष की औसत आयु के, तो बताओ इसी को मैं ले लूँ, 30 × 5 कितना हो गया, 150, कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई डाउट है इसमें, तो टोटल कितने बन गया, टोटल एज कितनी हो गई इनकी, 0, 5 और 5 = 10, 7 और 1 = 8 और 1 = 9, और टोटल आयु पूछिए, सभी पुरुष कितने हो गए, 30 पुरुष पहले 5 और आ गए, कितने बन गए ये, 35 बन गए, कितने बन गए 35, बताओ कोई डाउट इसमें, क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्या दिक्कत है इसमें, 35 × 70 बचा कितना, 20 बचा, क्लियर है, अरे 35 से कितनी बार, 35 चौक कितने होते हैं, 35 चौक होते हैं हमारे पास 140 में से 35 और जोड़ लिए, क्लियर है, तो ये कितनी बार जाएगा, ये चला गया 4, 5 बार, 25 है ऐसा कोई ऑप्शन, देखिए एक ही ऑप्शन है बस, कोई मतलब ही नहीं, 25 सही 5/7, क्लियर है, 25 सही 5/7 आंसर, क्लियर, आगे समझने, कोई डाउट इसमें, क्लियर है, अगला देखिए, क्वेश्चन है एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ, उसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आया तो सीपी निकल जाता है डायरेक्ट, कितनी है, पहले हो रहा है 900 रुपये में, लाभ हो रहा है एक का, ऐसे समझो लाभ हो रहा है क्या, या लाभ हो रहा है कुछ ना कुछ तो लाभ हो रहा है ना, कैसे हुआ लाभ, कैसे पता चला 2 गुना हो रहा है, मतलब ये है मार्केट, मतलब ये है प्रॉफिट और लॉस का क्या है, ये 2 गुना है, ऐसे समझो, क्लियर है, क्लियर है, कौन सा 2 गुना है, हानि 2 गुना, तो इसको मैंने हानि को लिखा 2 गुना, हानि 2 गुना है, तो प्रॉफिट कितना है 1 का, 450 रुपये, ये हानि कितना है 2 गुना है, प्लस हो गया, क्योंकि हमेशा कॉस्ट प्राइस क्या होता है जुड़ती है, लेकिन देखो नीचे आएगा लॉस प्लस हानि पे कितना कितना बैठा है, तो कितना बैठा है 1 + 2 कितने बैठे हैं 3, कोई डाउट, ये कितना हो गया 900, ये कितना हो गया, ये भी कितना हो गया 900, टोटल कितना 1800/3 मतलब 600, मतलब क्या है 600, अब क्या कह रहा है 25% लाभ पर बेच रहा है, 25% लाभ पर बेच रहा है, काट दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझ रहे, तो देखो 25 × 6 × 30
छः दूनी बारह, बारह और तीन पंद्रह, छः एकम छः, छः और एक सात, कितना गया 750 रुपये। क्लियर है ये चीज़, आगे समझने अच्छे से क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक कार 51 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही, मतलब स्पीड कितनी है, स्पीड है आपके पास ये 10:40 और से 1 बजे तक कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी। देखो पहले समझो यह समय कितना है, समय कितना है 2 घंटे 20 मिनट, समय कितना है 2 घंटे 20 मिनट। कैसे मान लो इसको मैंने 11 कर लिया, बस इसको मैंने 11 बजे कहा, 11 से 1 बजे तक कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 2 घंटे 20 मिनट और एक्स्ट्रा है ना, ये गया कितने तक है 10:40 तक, हमने कहाँ तक लिया है 11 बजे, तो 20 मिनट का अंतर आ गया, तो ये हो गया 20 मिनट, 20 मिनट को मैंने चेंज कर लिया भाग करके 60 से, तो ये बन गया पूरा घंटा। कोई डाउट, 20 से गया 3 बार, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, कितना 7/3 घंटे, बताइए यहाँ तक कोई डाउट है। क्लियर, टाइम ये आ गया, दूरी पूछे डी इक्वल टू द एस इंटू टी, एस इंटू टी, टी कितना 7/3, 17 से कितनी बार गया, 17 से गया 3 बार, 17 कितने होते हैं 119, बताओ कितना आंसर आ गया 119 किलोमीटर की दूरी है। आगे क्लियर है ये चीज, कोई डाउट इसमें, चलिए थोड़ी सी और बात करते हैं साथियों। ये एक बुक है एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए, जो हमारे एग्जाम अग्रवाल एग्जाम कार्ड की टीम द्वारा तैयार की गई है आप सभी के लिए। ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आप जानते हो मार्केट में एसएससी जीडी की, मार्केट में एसएससी जीडी की, एसएससी जीडी की मोस्टली बुक तो है नहीं, क्योंकि जब आप लोग तक तैयारी करते हो ना तो आपके लिए दिक्कत आ जाती है बुक्स के लिए, क्योंकि कलेक्शन कहाँ से करें, खासकर एसएससी जीडी के लिए। तो हमारे पूरी टीम ने, टीम कौन कौन सी है हमारे पास, रीजनिंग की पूरी टीम, मैथ की पूरी टीम, हिंदी की पूरी टीम, जीएस की पूरी टीम और इंग्लिश की पूरी टीम, इन सभी ने मिलकर आप सभी के लिए एक प्रयास किया है, एक बेहतरीन बुक तैयार की है। कौन सी बुक है, एसएससी कांस्टेबल जीडी। देखिए इसमें क्या क्या खासियत है इसके, मैं है आपके पास 20 मॉक टेस्ट है, 12 सॉल्ट पेपर है। इसमें आपके लिए एक चीज़ और प्रदान करी है, जैसे मान लिया आपने कहीं ना कहीं से अरेंज कर ली पीडीएफ, क्योंकि पीडीएफ ही आती है पेपर आप देने के, रिजल्ट आ गया पीडीएफ आ गई, आप उसी में से पढ़ते रहते हो। मान लो आपको दिक्कत आ गई, कोई क्वेश्चन रुक गया आपसे, ये नहीं आ रहा समझ में, आपको किसी ने समझा दिया, अगले दिन फिर नहीं समझ आया, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब उसके पास तो कोई यूट्यूब भी नहीं करा रहा है, हकीकत तो ये है कोई यूट्यूब भी नहीं कराता एसएससी जीडी के क्वेश्चन। तो हमारी तरफ से आपसे यही प्रयास रहा है कि एसएससी जीडी के जितने भी एग्जाम हैं, एसएससी जीडी के जितने भी एग्जाम हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर कराए जा रहे हैं, और उनका सॉल्यूशन हमारी इस बुक में दिया गया है विद पेपर समेत। मान लो 10 तारीख का कोई शिफ्ट में पेपर हुआ है तो हमने इसमें डाला है, 11 तारीख का हुआ तो उसमें डाला, 12 का हुआ है तो 12 का डाला है। अब दिक्कत आपके लिए सॉल्व हो गई, क्या सॉल्व हो गई, आपने सॉल्व किया कोई पेपर, आपके पास पीडीएफ आई, पीडीएफ आपने के बाद आपको दिक्कत आ गई कोई क्वेश्चन में, तो आप हमारी बुक में जाइए, देखिए कौन सी शिफ्ट का पेपर है, वहाँ से क्वेश्चन देखिए कौन सा नंबर पे है, और कुछ नहीं करना, हर एक सेक्शन में आपको क्यूआर कोड दिया है। ये पहली बार हुआ है हमारी तरफ से, इस चीज़ पे ध्यान देना है, ये हमने प्रयास पहली बार किया है क्यूआर कोड का, हर एक सेक्शन में, हर एक सेक्शन में हमने इसमें क्या किया है, एक क्यूआर कोड लगाया है। क्या लगाया, एक क्यूआर कोड लगाया, क्यों लगाया, आपको मान लो हमारे ने, आपने हमारी जैसे मान लो एसएससी जीडी के अपने पेपर की तैयारी करी, आपने हमारी बुक लेकर आए, ऐसा कोई दिक्कत आ गई कि आपको सॉल्यूशन नहीं क्लियर हो रहा है, या जीएस में नहीं क्लियर हो रहा है, मैथ में क्लियर नहीं हो रहा है, मैथ में क्लियर नहीं हो रहा है, किसी में भी दिक्कत नहीं हो रहा है, तो आप क्यूआर कोड स्कैन करिए और सीधे यूट्यूब चैनल पर पहुँच जाएंगे आप, ये चीज़ क्लियर है। तो आपको मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ इस बुक को खरीदने के लिए, आप ध्यान दीजिए इस बुक को खरीदिए और आपको इस बुक में बहुत फ़ायदा मिलेगा, ये आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक रहेगी, क्योंकि ये बुक हमारी तरफ से बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हमने इसको जल्दबाजी में कॉपी कर दिया, बहुत टाइम लिया इस बुक पे, हर एक क्वेश्चन पे, हर एक चीज़ पे अलग अलग टाइम लिया गया है कि क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है, बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है इस बुक में। फिर भी आपको नहीं आता समझने तो क्यूआर कोड स्कैन करिए, सीधे यूट्यूब चैनल पर आ जाइए। तो धन्यवाद, आज मैं आपसे विदा चाहता हूँ, चलिए